लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत के राजनीतिक इतिहास में पहला ऐसा घोषणा पत्र है जो जनता के द्वारा जनता की मांग पर और जनता के बीच 10,700 किलोमीटर की यात्रा कर बनाया गया है। इससे जनता की भावनाओं को जानकर उनकी जरूरतों, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुकूल गारंटी के रूप में देश की जनता को अपेक्षित न्याय दिलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह बात सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से 5 स्तंभों में 25 गारंटी हैं। इस घोषणा पत्र को राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश की महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला सुरक्षा समेत अन्य वर्तमान स्थिति को देखकर बनाया गया है, जिससे जनता को न्याय दिलाने का संकल्प पूरा किया जा सके। पत्रकार कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय दुबे, विधायक आराधना मिश्रा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र के साथ साथ ये देश की जनता के सामने एक न्याय पत्र के रूप में, एक न्याय संकल्प के रूप में इसे पेश किया गया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ये पहला वो घोषणा पत्र है जो जनता के द्वारा जनता की मांग पर और जनता के बीच पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी ने जो 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की जो भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके दूसरे चरण में देश की जनता को न्याय दिलाने का संकल्प लेकर उनके बीच जाकर युवकों के बीच, किसानों के बीच, हमारी मातृशक्तियों के बीच और साथ ही साथ देश के पिछड़े और कमजोर वर्ग के साथियों के साथ इस यात्रा के दौरान जो उन्होंने महसूस किया, उनकी भावनाओं को जानकर और उनकी जरूरतों को और उनकी आशाएं और अपेक्षाओं के अनुकूल ये मैनिफेस्टो जो है, जो कि एक गारंटी के रूप में, एक आश्वासन के रूप में और इस देश की जनता को उनके अपेक्षित न्याय दिलाने के उद्देश्य से यह न्याय पत्रिका तैयार की गई। इसके प्रमुख 5 स्तंभ जो हैं, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, न्यारी न्याय और श्रमिक न्याय, ये 5 स्तंभों से निकलकर 25 ऐसी वो गारंटियां कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम देश की जनता के सामने उनका विश्वास हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इन न्याय पत्रिका की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है कि आज के वर्तमान राजनीतिक स्थिति में जहां देश का हर वर्ग का ये महसूस कर रहा है, एक घुटन महसूस कर रहा है, जहां पर देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में महंगाई आसमान छू रही है, रुपए की कीमत आधे से भी कम रह गई है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और देश के सामने इस देश का युवक और आने वाली भावी पीढ़ी अपने आप को दिशाहीन महसूस कर रही है।